Hello students, welcome back. Today we are going to start a new chapter from our Bihayu book chapter 9, the bond of love. It means Pyarka Bandhan. In this chapter the bond of love, we are talking about the bond between a human being and a pet but the pet is not a dog, not a cat. The पैट इज़ अ स्लॉथ बियर एक जो स्लॉथ बियर है उसे हम पैट के रूप में यहाँ पर चैप्टर में रेफर किया गया है और एक ह्यूमन बीइंग के बीच में जो प्यार है जो उनके बीच में अटैचमेंट है उसके बारे में हम इस स्टोरी को रीड करेंगे जो राइटर है उसकी वाइफ और स्लॉथ बियर के बिटवीन जो लव था जो उन दोनों के बीच अटैचमेंट था उसकी स्टोरी हम रीड करेंगे But before starting the chapter, we will discuss some word meanings. Offend it means parentless child, anath. Fascinated it means to attract. Sugarcane as you know, ganna. Escaped it means run away, bhag nikle. Wantingly, it means for no good reason. कोई अच्छा रीजन ना हो ना, पेंटिंग इट मीन्स टू ब्रिथ क्विकली तेज तेज सांस लेना बीस्ट इट मीन्स क्रेचर प्रॉम्प्टली इट मीन्स पंचुअली समय का जो पाबंद होता है प्रोस्ट्रेट इट मीन्स लेइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स मींस मीन्स अपने फेस को जमीन की तरफ रखते हुए लेट जाना उल्टा लेटना वी कैन से टर्माइट्स इट मीन्स वाइट आन, रेस्क्यूड इट मीन्स सेव फ्रॉम डेंजर खतरे से बचाना इनहैबिट इट मीन्स लिव इन रहना क्रीसंट इट मीन्स नेम या बींग यूज शुरुआत करना उपयोग की या किसी का नेम निकालना एलिवेशन इट मीन्स हाइट ऊंचाई, शैगी इट मीन्स बशी बहुत ज़्यादा हेरी मजल्स इट मीन्स नोज और माउथ जो डॉग या बियर का माउथ और नोज वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड मजल्स सकअप इट मीन्स ग्रोवल ग्रोवल का मीन होता है चूस लेना जो हम सिप लेकर पीते हैं आवाज करते हुए पिटी इट मीन्स सैमपैथी दया स्कॉटेड स्क्यूटेड इट मीन्स रन अवे भाग जाना

Now let's see the story. Chapter 9, The Bond of Love. As we can see the picture, here is a beer. So we can understand that this story is related to a beer. Before you read, can there be love and friendship between human beings and wild animals? Let's read a fascinating अकाउंट ऑफ एन orphaned स्लॉथ bear दैट वॉज रेस्क्यूड बाय द ऑथर आओ हम एक आलसी भालू के विषय में एक कहानी पढ़ते हैं जिसे लेखक ने बचा लिया था इट मीन्स इस बियर को रेस्क्यू किया था ऑथर ने आफ्टर दैट इन आ, जो ऑथर है वो उसे अपने घर ले आया था और इसका बहुत ही ज़्यादा जो ऑथर की वाइफ थी उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था बियर से स्लॉथ बियर्स इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज़ इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रास लैंड्स एट लोअर एलिवेशंस की जो स्लॉथ बियर होते हैं वो जंगलों में रहने के आदि होते हैं और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इंडिया के वहाँ पर और जो ग्रास की जो कम ऊंची जगह होती है वहाँ पर ये बियर्स मिलते हैं ये बियर पाए जाते हैं स्लॉथ बियर्स हैव हाँ वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स जो स्लॉथ बियर होते हैं उनके बहुत ही लंबे उलझे हुए बाल होते हैं और उनकी जो मजल्स होती है नोज और माउथ वाला जो फेस होता है ये वाला जो एरिया होता है ये भी लंबा होता है यूजिंग देयर क्लोज टू डिग दे कैन देन यूज दे यर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब ये मिट्टी को खोदने के लिए अपने क्लोज जो नाखून या पंजे होते हैं उनका यूज करते हैं फिर अपने मुंह को एक ट्यूब की तरह ये यूज करते हैं जमीन के अंदर से जो भी इनका खाना है उसे सक करने के लिए खींचने के लिए विच कैन गो डीप इंटू द ग्राउंड जब इसे अपने नोज़ और माउथ को ये एक ट्यूब की तरह बना लेते हैं तो ये बहुत अंदर तक ज़मीन में जा सकती है और इंटू हार्ड टू रीच एरियाज़ लाइक डैड ट्रीज़ फॉर दियर फूड जो डैड ट्रीज़ होते हैं जो सूखे हुए पेड़ होते हैं उनका जो तना होता है उसके अंदर जो खाना ये खाते हैं उसे के अंदर भी इनका मुंह जा सके इस तरीके से ये कन्वर्ट कर लेते हैं अपने फेस को लंबे पाइप की तरह देयर मेन फूड इज़ टर्माइट्स इनका जो मेन फूड होता है वो टर्माइट्स जो सफ़ेद सफ़ेद चीटियां जिन्हें कहते हैं या दीमक जिसे कहा जाता है उन्हें ये खाते हैं यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे कई फीट दूर से आप इनका जो ये खाना सक करते हैं खींचते हैं या चूसते हैं उस आवाज को सुन सकते हैं नाउ लेट सी द स्टोरी आई विल बिगन विद ब्रूनो माई वाइफ पैट स्लॉथ बियर कि मैं ब्रूनो से शुरू करना चाहता हूं जो कहानी है उसकी शुरुआत मैं ब्रूनो से करना चाहता हूं जो कि मेरी वाइफ का पेट स्लॉथ बियर है आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट मैंने इसे अचानक से पाया था मेन संयोगवश पाया था कोई ये लेने नहीं गए थे ऐसे ही एक्सीडेंटली ये मिल गया था टू ईयर्स अगो वी वर पासिंग थ्रू द सुगर केन फील्ड्स नीयर मैसूर दो साल पहले हम मैसूर के पास गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्राम द फल्ड्स बाय शूटिंग एट दैम जो वहाँ के लोग हैं वो जो जंगली सुअर हैं उन्हें गोलियाँ चलाकर भगा रहे थे सम वर शूट एंड सम एस्केप्टेड कि कुछ के गोली लग गई थी कुछ मारे गए थे जबकि कुछ भाग गए थे We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. हम सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म ही हो हो रहा है ख़त्म हो गया है लेकिन अचानक एक जो ब्लैक कलर का स्लॉथ बियर है वो बाहर आया गर्म सूरज के अंदर बहुत तेज तेज सांस लेता हुआ वो अचानक से निकल कर आया Now I will not shoot a sloth bear Wantingly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it. मैं इसे शूट नहीं करना चाहता था मैं जो ये बियर था इसे शूट करने का मेरे पास कोई अच्छा रीजन नहीं था तो मैं इसे शूट नहीं करना चाहता था लेकिन मेरा जो कंपेनियन था मेरा जो फ्रेंड था या साथी था अनफॉर्चुनेटली वो इस बेचारे भालू के बारे में ऐसा नहीं सोचता था एंड प्रॉम्प्टली शूट द बियर ऑन द स्पॉट और उसने बिल्कुल समय के पाबंद होते हुए तुरंत उस बियर को शूट कर दिया एज वी वॉस्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूवड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉड बॉडी हमें यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ मीन्स गिरते हुए एनिमल को देख कर हम सब बहुत आश्चर्य में थे हमने देखा कि जो एक ब्लैक फर है वो उसकी बैक पे से उसकी पीठ पे से हटा और साइड में गिर गया जमीन पर उल्टा गिर गया देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बीयर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक वेन द सडन शूट हैड किल्ड हर द लिटिल क्रेचर रेन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रीट पेरेंट मेकिंग अ पिटिफुल नॉइज मीन्स जब इन्होंने गोली मारी शूट किया उसे तो जो मदर थी वो जमीन पर मुंह के बल गिर गई जबकि उसकी बैक पर जो बच्चा था बेबी जो बियर था वो साइड में गिर गया और जो मदर थी वो मर गई बे, बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक हमने देखा कि ये बेबी बियर था जो अपनी मदर की बैक पर स, स, र, बैठा हुआ था वेन द सडन शूट हैड किल्ड हर जब अचानक से उसकी माँ मर गई मीन्स उसको शूट किया गया गोली मारी गई तो वो मर गई द लिटिल क्रेचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट जो छोटा बच्चा था वो बेचारा अपनी मरी हुई माँ की तरफ के चारों तरफ एक दयापूर्ण आवाज करते हुए दौड़ने लगा वो इधर उधर भागने लगा क्योंकि अचानक से उसकी मदर नीचे गिर गई और वो बैक से साइड में गिरा तो वो डर गया आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट कैप्चर मैं इसके पीछे दौड़ा इसे पकड़ने के प्रयास में इट स्कोटेड इन टू द सुगर केन फील्ड्स ये सुगर केन के जो फील्ड्स थे उनके अंदर भाग गया आई वॉज सॉरी फॉलोइंग इट विद माई कैंपेनियंस अपने साथियों के साथ में उसका पीछा करते हुए आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज और फाइनली मैं इसे गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ने में सफल हुआ और इसने अपने नुकीले हुक जैसे जो पंजे थे उनसे मुझे नोचने की कोशिश की वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैगस वी हैड ब्रॉट हम जो गनी बैग्स लाए थे बोरे लाए थे उनमें से एक बैग में हमने इसे डाला एंड वेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर बैंगलोर आई ड्यू ड्यूली प्रजेंटेड इट टू माई वाइफ और जब मैं वापस लौट कर बेंगलोर आया तो मैंने बिल्कुल प्रॉपरली इसे अपनी वाइफ को सौंप दिया उसे गिफ्ट कर दिया शी वॉज डिलइटेड वो बहुत खुश थी शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिब्बन अराउंड इट्स नैक उसने तुरंत ही एक कलरफुल रिब्बिन इसकी गर्दन पर बांध दिया एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय शी क्रीसेंट इट ब्रूनो और जैसे ही उसे पता लगा कि जो कब है जो ये भालू का बच्चा है वो एक मेल है बॉय है उसने तुरंत ही इसका नाम ब्रूनो रख दिया आई होप यू हैव अंडरस्टैंड जो राइटर है उसे ये भालू का बच्चा मिला आफ्टर दैट वो उसे अपनी वाइफ को प्रेज गिफ्ट कर देता है एंड इसका नेम रखा जाता है ब्रूनो रिमेन स्टोरी वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे